भारत ने बुधवार को स्वदेशी रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के तट से सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन से इसे लॉन्च किया गया। वही DRDO की बनाई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली ये मिसाइल नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो जमीन पर बने दुश्मन के सर्विलियंस, कम्युनिकेशन और कमांड कंट्रोल सेंटर्स को नष्ट कर सकती है। यह लॉन्चिंग से पहले और उसके बाद भी टारगेट को लॉक कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट में इसके सभी रेंज ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमिलिट्री स्टेशन पर नजर रखी जाएगी। इसकी सभी तकनीकों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय एयरफोर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स को रुद्रम 2 के सफल परीक्षण पर बधाई दी।